हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लदक गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई। राजधानी शिमला में सुबह करीब 10:30 बजे के बाद बर्फबारी शुरू हुई। चंबा के खजियार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जिले के चुराह, भरमौर, पांगी, डलहौजी में बर्फबारी लगातार जारी है। जनजातीय क्षेत्र पांगी का संपर्क अन्य भागों से कट गया है। अधिकांश पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है। बारिश बर्फबारी से राज्य में गुरुवार सुबह 10 बजे तक 6 नेशनल हाईवे और 241 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। प्रदेश में 677 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप है। सबसे ज्यादा 139 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद है। किन्नौर में 20, कुल्लू 11, मंडी 14 और शिमला में 13 सड़कें बंद है। लाहौल घाटी बर्फ से लकदक हो गई है। यहाँ लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में 2 फीट से अधिक बर्फबारी होने से लाहौल घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। बारिश बर्फबारी से किसान बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सड़कों के साथ कई इलाकों में बिजली भी गुल है। चंबा तीसा मुख्य सड़क खुली है, जबकि तीसा पैरागढ़, देवीकोठी टेपा मार्ग, तेरेला कोयला मार्ग, तेरेला जुनास मार्ग, तेरेला बौदेडी मंगली मार्ग, नकरौड़ा भराड़ा मार्ग, नकरौड़ा चांजू, तीसा सनवास, बंजराडू चनवास, नकरोड़ आयल, हिमगिरी आयल, जसौरगढ़ दियोल बंद है। चुराह मंडल ग्राम पंचायत खजुआ के गांव कया में 1 फीट ताजा हिमपात हुआ है, जबकि तीसा बैरागढ़, देवीकोठी टेबा मार्ग, तुरेला गुइला मार्ग, तरेला जुनास मार्ग, तरेला बौदेडी मंगली मार्ग, नकरोड़ा भराड़ा मार्ग, नकरोड़ा चांजू, तीसा सनवास, बंजराडू चनवास, नकरोड़ा आयल, हिमगिरी आयल, जसौरगढ़ दियोल बंद है। चुराह मंडल ग्राम पंचायत खजुआ के गांव कया में 1 फीट ताजा हिमपात हुआ है। प्रदेश के बर्फीले इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी और निजी बसें फंसी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 फरवरी को केवल उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही मौसम खराब रहने के आसार है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 3 और 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। ये दौर 4 फरवरी तक जारी रहेगा। राज्य में 3 फरवरी से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।